नमस्कार। हमें पिछले दिनों मेडिकैप द्वारा उनके इंक्यूबेशन सेंटर में इंदौर और भोपाल के लगभग 40 स्टार्टअप के प्राइज वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया। वहाँ मुझे बहुत सारे स्टार्टअप से मिलने का मौका मिला और मैंने देखा कि ये कौन लोग हैं जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जिनने नौकरी को अपना कैरियर नहीं बनाया है, उनके आइडियाज़ क्या हैं और कैसे वो उस अपने आइडिया को वास्तविकता में बदल रहे हैं। तो इन लोगों से मिलके और इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बातचीत करके जो मैंने जाना वो ये था कि ये सभी लोग ये जानते हैं द पावर ऑफ नाउ, कि अभी हम वर्तमान में कैसे रहें, क्योंकि मन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी आप इस भौतिक संसार में क्रिएट करते हैं उसकी जो पहली निष्पत्ति होती है वो आपके मन में होती है। इसीलिए हम क्रिएशन को ब्रह्मा का मानस पुत्र कहते हैं कि ये ब्रह्मा ने मानस पुत्रों के द्वारा सृष्टि को रचा है। हम सभी अपने जीवन में जो भी रचते हैं वो हमारी मानस पुत्र हैं। तो जो स्टार्टअप उसमें महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, वो सब उनके मानस पुत्र थे और वो बहुत फोकस्ड थे, क्योंकि जब हम अपने मन को देखते हैं तो हमारे मन में हमेशा दो ही तरह की बातें चलती हैं। या तो हम भविष्य के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं या हम भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं। अब देखिए, भविष्य अभी आया नहीं है, कैसा आएगा वो वर्तमान से ही निकलेगा, और जो भूतकाल गया है उससे ही वर्तमान निकला है। तो दोनों चले गए हैं, ना भूतकाल है ना भविष्य है, ना पास्ट है ना फ्यूचर है, तो अभी प्रेजेंट है। तो जो लोग प्रेजेंट में रह के एक्शन लेते हैं, केवल सोचते नहीं हैं, तो वो अपने मन पर काबू पा पाते हैं, अपनी भावनाओं पर, अपने एक्शंस पर, अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं। तो ये पावर ऑफ नाउ को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग अपने मन में जितनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको करते हैं उनकी सफलता उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उतनी ही तीव्र इंटेंसिटी के साथ अपने आइडियाज़ पर काम कर पाते हैं, अपने समय का सदुपयोग कर पाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि सफलता उनको मिलती है जो बहुत इंटेंस तरीके से काम करते हैं, जिनमें उथली उथली काम करने की लगन होती है, उनकी सफलता उतनी जल्दी नहीं आती है। तो दोस्तों, आप अपने ज़िंदगी में द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में रहने की आदत को विकसित करें और देखिए सफलता आपके साथ होगी। नमस्कार।